वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। कक्षा 11 के छात्रों को आज मैं पढ़ा रहा हूँ सामर्थ्य। जैसा कि आपको पता है आजकल हमारा चल रहा है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, और आज हमारा टॉपिक है सामर्थ्य अथवा शक्ति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पावर। अर्थात शक्ति को हम डिनोट करते हैं पी से, पावर, और पी बराबर होता है डब्ल्यू बटे टी। अर्थात किसी कर्ता के द्वारा जो कार्य करने की जो दर है उसको कहेंगे शक्ति, या एकांक समय में किसी कर्ता के द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। अर्थात कर्ता के द्वारा जो समय दर, किसी कार्य को करने की जो समय दर होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी सामर्थ्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो किसी बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर में, उसने पहले फ्लोर से दूसरे फ्लोर में कोई वस्तु को पहुंचाना है, और वहां पर वो जो है उस वस्तु को, एक व्यक्ति है उस वस्तु को पहुंचाने में 5 मिनट का समय लेता है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो भी वही कार्य करता है और वो उस वस्तु को पहले मंजिल से दूसरे मंजिल में पहुंचाने के लिए कितना समय लेता है, 10 मिनट का समय लेता है। अर्थात कार्य समान है, लेकिन व्यक्ति के द्वारा जो है, एक व्यक्ति के द्वारा उस कार्य को करने के लिए 5 मिनट लिया जा रहा है और दूसरे व्यक्ति के द्वारा उस कार्य को करने के लिए 10 मिनट लिया जा रहा है। तो अर्थात हम कहेंगे कि पहले व्यक्ति के द्वारा जिस व्यक्ति ने 5 मिनट में उस कार्य को कर लिया वो दूसरे व्यक्ति से क्या है, शक्तिशाली है। अर्थात उसने जो है उससे क्या लिया है, कम समय लिया है, मतलब उस कार्य को करने के लिए उस व्यक्ति के द्वारा 5 मिनट लिया गया और दूसरे व्यक्ति के द्वारा 10 मिनट लिया गया। अर्थात 5 मिनट वाला व्यक्ति जो है शक्तिशाली है। तो हम जो है किसी भी कर्ता के द्वारा जो किया गया कार्य है उसकी समय दर को जो मेजरमेंट करते हैं वही जो है क्या कहलाता है, वही उस कर्ता का क्या कहलाता है, सामर्थ्य कहलाता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी कर्ता के द्वारा एकांक समय में जो कार्य किया जाता है उसको कहते हैं शक्ति, और शक्ति को हम डिनोट करते हैं पी से, और पी बराबर होता है डब्ल्यू बटे टी। ठीक है, और डब्ल्यू बच्चों आप जानते हैं डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू का मात्रक होता है कार्य, और कार्य होता है डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू को हम डिनोट करते हैं कार्य से, और कार्य का मात्रक जूल, और ये हो जाएगा सेकंड, समय का मात्रक ये हो गया बच्चों सेकंड। तो इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड, जिसको हम क्या कहते हैं, वाट भी कहते हैं। ठीक है, और एसआई पद्धति में इसका मात्रक भी यही है, एसआई पद्धति में शक्ति का जो मात्रक है एसआई पद्धति में पी का मात्रक क्या है, जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, जूल प्रति सेकेंड, जिसको हम कहते हैं वाट, क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। ठीक है, तो अर्थात जब किसी वस्तु को किसी कर्ता के द्वारा किसी कार्य को करने के लिए जब 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य किया जाता है तो हम कहेंगे उस कर्ता के द्वारा जो उसका जो सामर्थ्य होगा वो होगा 1 वाट के बराबर होगा। अर्थात यदि किसी कर्ता के द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है तो, ठीक है, 1 जूल कार्य किया जाता है तो उसकी शक्ति हम कहेंगे 1 वाट है। ठीक है, तो ये जो शक्ति है, ये शक्ति जो है आपका, ये शक्ति का जो मात्रक हो जाएगा वो हो गया जूल प्रति सेकंड, या हम इसको इस तरीके से लिखें पी बराबर डब्ल्यू बटे टी होता है, और डब्ल्यू बराबर क्या होता है, यदि हम उस तेर विभव की बात करते हैं तो किसी विभव होता है वी बराबर, आप जानते हैं वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। अर्थात किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाएगा, विभव कहलाता है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखते हैं, वी क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों टी। अब यहाँ पे बच्चों आप देखेंगे वी को तो हम ऐसे रहते हैं, क्यू को लिखते हैं आई इंटू टी, क्यू बराबर आई इंटू टी अपॉन टी, तो टी से टी कैंसिल, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, वी इंटू आई। ठीक है, वोल्टेज और धारा के पदों में भी यदि हम शक्ति को लिखें तो शक्ति जो है आपका वी इंटू आई है। यदि हम इसका मात्रक लिखना चाहें तो मात्रक बच्चों हमारा जूल प्रति सेकंड है, और यदि इसकी बीमा लिखना चाहें तो कार्य होता है एफ इंटू एस अपॉन टी, तो बल का मात्रक आप जानते हैं एम एल टी माइनस टू, और इंटू एस हमारा जो है दूरी है, इसको हम एल से मेजर करते हैं, और टी आप जानते हैं क्या है आपका एम एल टी माइनस टू, और ये हो जाएगा बच्चों टी।
ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये जो कार्य का शक्ति का जो मात्रक हो जाएगा, शक्ति का शक्ति की जो बीमा हो जाएगी वो हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ये टी ऊपर चला जाएगा तो टी माइनस थ्री बच्चों ये बीमा शक्ति की होगी। तो बच्चों इसके लिए जो है माना माना एकांक समय में, माना किसी सूक्ष्म समय में किसी वस्तु के द्वारा सूक्ष्म कार्य किया जाता है, माना सूक्ष्म समय में किसी कर्ता के द्वारा सूक्ष्म कार्य डेल्टा डब्लू किया जाता है, तो जो औसत शक्ति होगी कर्ता की औसत शक्ति होगी पी बार बराबर होता है डेल्टा डब्लू बटे डेल्टा टी, ठीक है। यदि हम इसको तात्क्षणिक वैल्यू लिखें, यदि किसी क्षण बच्चों हम क्या लिखते हैं, किसी क्षण हम डेल्टा टी को क्या ले लेते हैं, सूक्ष्म ले लेते हैं, तात्क्षणिक जिसको इंस्टेंटेनियस जो पावर हो जाएगी, बच्चों तात्क्षणिक शक्ति हो जाएगी वो P, इसको हम लिखेंगे P बराबर जो तात्क्षणिक शक्ति हो जाएगी डेल्टा T टेंस टू जीरो। यदि हम किसी क्षण समय को क्या ले लें, सूक्ष्म ले लें, तो उस कंडीशन में बच्चों हम इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा डब्लू बटे डेल्टा टी, जिसको हम लिखते हैं डी डब्लू बटे डिफ्रेंसिएशन में लिखते हैं डी डब्लू बटे डी टी। ये क्या हो गया बच्चों हमारा पी हो गया। शक्ति को हम ऐसा भी दे सकते हैं, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन डी डब्लू बटे डी टी। तो बच्चों पी इज इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन डी टी और डब्लू आप जानते हैं एफ इंटू एस, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा, ये इससे पी को हम लिख सकते हैं जो तात्क्षणिक जो शक्ति होती है, तात्क्षणिक शक्ति को हम लिख रहे हैं डी डब्ल्यू बटे डी टी, ठीक है बच्चों। यदि हम इसको बल के पदों में लिखते हैं, शक्ति को बल के पदों में यदि हम लिखें, शक्ति को किसके पदों में, बल के पदों में लिखें, तो बच्चों हमारा हो जाएगा पी बराबर हम जानते हैं डेल्टा डब्ल्यू बटे डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी, डेल्टा डब्ल्यू को हम लिखते हैं डब्ल्यू, चूंकि आप जानते हैं डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ इंटू एस या एफ डॉट एस, ठीक है। तो डब्ल्यू को हो जाएगा बच्चों, इसको हम लिखेंगे डब्ल्यू बराबर हो गया एफ डॉट एस, अर्थात दो सदिश राशियों का जो अदिश गुणनफल होता है, क्योंकि बल भी सदिश राशि है और विस्थापन भी सदिश है। तो कार्य की डेफिनेशन हम जाते हैं किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। तो एफ डॉट एस हो गया, ठीक है, जब बल और विस्थापन की दिशा क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है, एक दिशा में ना हो और एक दूसरे से थीटा कोण पे अंतरित हो, इन दोनों के बीच थीटा कोण अंतरित है, तो एफ डॉट एस बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू, ठीक है। तो बच्चों हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिएगा यदि हम इसको लिखते हैं तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा पी इज इक्वल टू डी, ये हो जाएगा एफ डॉट डी एस बटे डी टी, हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब आप समझते हैं कि जब किसी वस्तु पर हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो उसके वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारी जो शक्ति होगी, हम किसके रूप में लिख रहे हैं उसको, शक्ति के पदों में लिख रहे हैं, मतलब बल शक्ति को बल के पदों में लिख रहे हैं। जब हम किसी कार्य को करने जा रहे हैं, कर्ता के द्वारा जब किसी कार्य को किया जा रहा है, तो उसको उस पर क्या लगाया जा रहा है, बल लगा करके उसके वेग में क्या किया जा रहा है, परिवर्तन किया जा रहा है। तो यहां पर बच्चों हम कह सकते हैं P बराबर क्या हो जाएगा F डॉट, चूंकि हम जानते हैं डी एस बटे डी टी बराबर हो जाएगा भी के, ठीक है, एकांक में समय में चला गया जो विस्थापन हो गया वो क्या कहलाएगा, वेग हो जाएगा, इसको हम लिख रहे हैं भी। तो आप जानते हैं पी इज इक्वल टू एफ भी कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। तो हम इसको जो है
और चूंकि जो है हमारा कॉस थीटा दोनों की दिशा यदि सेम है, यदि जब जहां बल लग रहा है जब हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो बल के साथ साथ वेग भी दिशा क्या है समान है, तो वहां पे थीटा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो थीटा यदि जीरो है जब बल तथा वेग की दिशा समान है, जब बल तथा वेग की दिशा क्या है समान है तो थीटा बराबर जीरो, तो पी बराबर हो जाएगा एफ वी के, इसलिए एफ बराबर पी अपॉन वी। ठीक है, अर्थात हम देखते हैं बच्चों इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जब ये कंडीशन कब आती है कि जब हम जो है व्यवहारिक रूप में आपने देखा होगा कि जब गाड़ी जो है किसी किस पर जब गाड़ी क्या हो जाती है किसी दलदल में फंस जाती है, तो उस पर जो है उस पर जो शक्ति होती है गाड़ी उस पर जो बल लगता है वो एकांक वेग पर जो शक्ति लग रही है वो क्या किसके बराबर होती है बल के बराबर होती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो है ये हमने शक्ति को किसके पदों में लिख दिया बल के पदों में लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब एक शक्ति का जो मात्रक है आप जानते हैं कि जो एक अश्व शक्ति है एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट की। ठीक है, एक अश्व शक्ति किसके होती है 746 वाट की, क्योंकि आप जानते हैं SI पद्धति में जो मात्रक है किसका शक्ति का वो है आपका वाट है, और एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है 746 वाट के होता है। ठीक है, जो सामान्य व्यक्ति का जो औसत शक्ति होती है वो किस जो सामान्य व्यक्ति की जो औसत शक्ति होती है 0.5 से लेकर के 0. जो है 1 तक जो है उसका क्या होता है उसकी जो है अश्व शक्ति के 0.5 अश्व शक्ति के बराबर होता है सामान्य व्यक्ति का जो औसत शक्ति होती है। और यदि अश्व शक्ति का जो CGS पद्धति में जो मात्रक है CGS पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा अर्ग प्रति सेकंड, क्या हो जाएगा अर्ग प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा शक्ति। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है बच्चों इसमें वो है स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ ली थी, अब है स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मतलब किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो एनर्जी संचित रहती है वो कहलाता है उसकी स्थितिज ऊर्जा। अर्थात जब किसी पत्थर को हम किसी हाइट में यदि गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध कोई पत्थर है और उस किसी हाइट पर कोई पत्थर रखा गया है तो वहां पर उस पत्थर की क्या है स्थिति के कारण उसमें क्या है ऊर्जा क्या होती है संचित होती है। या इस प्रकार से किसी प्रकार से यदि हमने जो है कोई हमारे पास जो है कोई प्रत्यास्थ स्थिति से ऊर्जा है मतलब किसी को स्प्रिंग को हमने खींचा हुआ है उसकी स्थिति के कारण उसमें एनर्जी क्या हो जाती है संरक्षित हो जाती है। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि जब किसी वस्तु को उसकी प्रारंभ शून्य स्थिति से वर्तमान स्थिति तक अथवा वर्तमान स्थिति से शून्य स्थिति तक लाने में जो ऊर्जा होती व्यय होती है वो किसके रूप में होती है स्थिति ऊर्जा के रूप में होती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की जो शून्यांक स्थिति है शून्यांक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक या वर्तमान स्थिति से शून्यांक स्थिति तक ऊर्जा का जो व्यय होता है वो किसके रूप में होता है स्थिति ऊर्जा के रूप में होता है। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा संचित होती है उसको कहते हैं स्थिति ऊर्जा, जिसको हम किससे जनरेट करते हैं यू से, यू बराबर हो जाएगा mgh। तो बच्चों इसको हम कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा हमारी दो प्रकार की स्थितिज ऊर्जा हम कह सकते हैं, पहली है आपकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, अर्थात गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कि जब कोई वस्तु जो है h मीटर ऊंचाई पर किसी m द्रव्यमान की कोई वस्तु h मीटर ऊंचाई पर गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध जो है हमने
उसको किसी हाइट पर हम उसको ऊंचाई दे रहे हैं उस वस्तु को, उस वस्तु को फेंक रहे हैं h मीटर m द्रव्यमान की इसी वस्तु को, गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध गुरुत्वीय बल के विरुद्ध हम उसको क्या कर रहे हैं h मीटर ऊंचाई पर क्या कर रहे हैं उसको फेंक रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पर जो है उसकी स्थिति के कारण जिस स्थिति में वो वस्तु पहुंची वहां पर उसकी जो एनर्जी संरक्षित हो जा रही है वो क्या कहलाएगा, उसकी स्थिति ऊर्जा कहलाती है। तो ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं U बराबर स्थिति ऊर्जा को m इंटू जी इंटू एच, मतलब जो है मतलब यहाँ पे U बराबर हो जाएगा गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया जो कार्य है, U बराबर हो जाएगा गुरुत्वीय बल के विरुद्ध या गया कार्य इंटू ऊंचाई, अर्थात कार्य कार्य मीन्स जो भार है गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध जो किया गया जो कार्य हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एमजी डब्ल्यू बराबर एमजी इंटू एच। ठीक है, तो ये जो है गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जो लगाया गया जो बल है, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जो भार है, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध भार गुणा गया ऊंचाई। ठीक है, तो भार क्या हो जाएगा इसका गुरुत्वीय बल के विरुद्ध mg और ये हो जाएगा mg h, तो u बराबर क्या हो जाएगा mg h। ठीक है बच्चों, ये गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होगी। इसी प्रकार से दूसरी जो स्थिति ऊर्जा होती है वो होती है प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अर्थात जब किसी वस्तु को किसी स्प्रिंग को पर हम क्या करते हैं बाह्य बल के विरुद्ध उसको खींच, बाह्य बल से उसको क्या करते हैं खींचते हैं, तो उस पर एक प्रत्यानयन बल काम करता है जो उस वस्तु को प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करता है, ये कहलाता है प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। जब किसी वस्तु पर क्या करते हैं किसी स्प्रिंग पर कोई प्रत्यास्थ वस्तु है, ठीक है, मतलब प्रत्यास्थ का मतलब इलास्टिसिटी वस्तुओं का वह गुण है, जब हम किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं तो वस्तु क्या हो जाती है खींच जाती है। ठीक है, जैसे हम उस बल को हटाते हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, अर्थात कि प्रत्यास्थता वस्तुओं का गुण है जिसके कारण वस्तुओं को हम खींचेंगे बाह्य बल के द्वारा विरूपक बल के द्वारा खींचेंगे, लेकिन उस पर एक प्रत्यानयन बल काम करता है जो उस वस्तु की को उसकी प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करता है, वही कहलाता है आपका प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, मतलब स्थिति के कारण जिस बल के द्वारा हमने उसको खींचा तो वहां पर क्या हो जा रही है उसकी ऊर्जा क्या हो जा रही है संचित हो जा रही है, जिसके कारण वह जो है अपनी प्रारंभिक स्थिति में विरूप किसके कारण उसका जो है प्रत्यानयन बल के द्वार के कारण वह वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने का प्रयास करता है। तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि माना कोई ये आधार है, आधार से हमने कोई स्प्रिंग इस तरीके से लटका रखी लगी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये इसकी जो है प्रारंभिक स्थिति है बच्चों, ये क्या है इसकी प्रारंभिक स्थिति है। ठीक, अब हमने जो है दूसरी स्थिति में स्प्रिंग को हमने जो है ठीक है खींच दिया, यहाँ पे ये प्रारंभिक स्थिति इसको खींच लिया, ठीक है, इसको खींच दिया, ठीक है, तो ये कितना मीटर है मानो सपोज इस आपने इसको खींचा x, विस्थापन हुआ इसको, जब इस पर बल लगाया गया, इस पर क्या लगाया गया बल लगाया गया, तो बल के द्वारा इसको खींचा गया, और ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये है कि जब इस स्प्रिंग को हमने क्या किया इस पर जो है बल लगाया गया तो इसकी स्थिति जो है ये मेन स्थिति है जीरो वाली, यहाँ पर जो विस्थापन हो गया वो क्या हो गया एक्स हो गया, अर्थात आप दोनों कंडीशन में देखिए ये प्रारंभिक स्थिति है, ठीक है, जहां पर एक्स बराबर क्या है जीरो, यहाँ पर ये विस्थापन क्या हो गया एक्स और यहाँ जो विस्थापन क्या हो गया एक्स, अर्थात जब हमने स्प्रिंग को खींचा तो इसमें विस्थापन हुआ डेल्टा स्मॉल एक्स, जब हमने वस्तु को क्या किया विरूपक बल के द्वारा इसको इस पर जो है इसको दबाया, ठीक है, तो इसमें विस्थापन हुआ एक्स, ठीक है, तो बच्चों यहां से इस प्रत्यास्थ स्थिति में ए
बी और सी वाली स्थिति में आपने देखा प्रारंभिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, जो उसकी प्रारंभिक स्थिति है वही है। दूसरी स्थिति में हमने इस स्प्रिंग पर क्या किया, बल लगाया, इसको खींचा तो इसमें विस्थापन एक्स हुआ, और दूसरी स्थिति में हमने इस पर बल लगाया, बल की दिशा इस तरीके से है तो इसमें विस्थापन तब भी क्या हुआ, एक्स हुआ। अर्थात हमने कहा कि जब किसी स्प्रिंग को, किसी प्रत्यास्थ वस्तु को हमने बाह्य बल लगाकर उसको क्या किया, खींचा, ठीक है, या उसको दबाया, तो उस पर क्या किया, एक प्रत्यानयन बल काम कर रहा है जो उस वस्तु को उसकी प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करता है। अर्थात यहां पे हम कह सकते हैं एफ प्रोपोर्शनल टू क्या, एक्स के, जो विस्थापन हुआ, ठीक है, विस्थापन किसके है, उस विस्थापन, जो विस्थापन है वो किसके अनुक्रमानुपाती है, उस पर लगने वाले प्रत्यानयन के बल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसलिए एफ बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस के एक्स, ये क्या है, प्रत्यास्थ जो है समानुपाती नियतांक है, और एक्स जो ये माइनस है ये क्या दिखा रहा है, बल की दिशा को, जिधर विस्थापन हुआ विस्थापन के अगेंस्ट एक बल काम कर रहा है जो उसको प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम मानेंगे एफ डैश मानेंगे, क्या मानेंगे, एफ डैश भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, इसको एफ डैश हुआ। अब यहाँ पे जो है किया गया जो कुल कार्य होगा, जो कुल कार्य होता है, यदि हम यहाँ पे कुल कार्य निकालें, कार्य कितना हुआ, स्थिति के कारण, किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो एनर्जी उत्पन्न हो जा रही है, मतलब हमने जो है प्रारंभिक स्थिति की, इसकी स्थिति ये थी, हमने एफ बल लगाकर उसकी स्थिति इस प्रकार से की, तो यहाँ पर ऊर्जा क्या होगी, संचित होगी, ठीक है। तो जो कार्य हो जाएगा वो कार्य हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स जीरो से लेकर के कहां तक, एक्स तक, उसकी प्रारंभिक स्थिति एक्स बराबर जीरो से एक्स तक लाए, ठीक है, ये हो जाएगा एफ एक्स। यदि हम इसको जो है आप देखते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा के की वैल्यू हम यदि वन रख देते हैं तो एफ किसके आ जाएगा, के की वैल्यू यदि हमने वन रख दी तो ये एफ हो गया हमारा किसके, माइनस एक्स के, ठीक है। तो यहाँ पे जो विस्थापन हो गया ये हो जाएगा बल गुणा गया विस्थापन, बल हमारा जो है ये है एक्स, क्या हो जाएगा, जो हमारा जो बल हो जाएगा वो बल किसके बराबर हो जाएगा, जो कार्य होगा यहाँ पे, देखिए बच्चों जो ये एफ है ये बल की दिशा है वो कौन सी दिशा में है, विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो हमारा जो है ये एफ डैश किसके हो जाएगा, एक्स के की जगह पे हम वन नहीं रखते हैं तो ये हो जाएगा के एक्स, और ठीक है, और ये क्या हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। तो बच्चों हमारा ये जो है जो कुल कार्य हो जाएगा ये हो जाएगा डब्ल्यू बराबर इसका जो एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है इसका समाकलन हो जाएगा के एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है, जीरो टू एक्स, ये हो जाएगा डब्ल्यू बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर। और यही जो है, यही जो बल है, बोलने का मतलब है यही जो है यू बराबर किसके हो जाएगा, डब्ल्यू के, तो यू बराबर हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, यही जो है हमारे क्या है प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक है। धन्यवाद।